गुड आफ्टरनून टू ऑल सर। गुड आफ्टरनून बैठिए विमल थैंक यू सर विमल कोविड बीमारी बहुत फैली हुई है इसलिए सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है जी, कुर्सी इसलिए आपकी दो फीट दो गज से ज्यादा दूर रखी गई है और मास्क का इस्तेमाल सब लोग कर रहे हैं सुरक्षित रहें आप भी हम भी आ, लेकिन बातचीत करने के लिए मैंने मास्क हटा लिया है और वगैरह की दिक्कत आती है चाहें तो आप भी हटा सकते हैं हटाना चाहेंगे जी सर हटा लीजिए अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बगैर अपना परिचय दीजिए सर मेरा नाम विमल है मैं जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूँ मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 2011 में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में किया है सर 2011 से 16 के बीच मैंने बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्य किया है वर्तमान में मैं दो से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ सर मुझे वॉलीबॉल खेलना और खाली समय में दोस्तों से बात करना और पुराने गीत सुनने का शौक है सर आप असिस्टेंट मैनेजर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जी सर तो वो छोड़कर आप असिस्टेंट टीचर बन गए जी सर तो असिस्टेंट मैनेजर से बेहतर काम होता है असिस्टेंट टीचर का बेसिकली ये जो जॉब मैंने असिस्टेंट मैनेजर की छोड़ी थी वो थोड़ा पारिवारिक दायित्व के सिलसिले में छोड़ी थी उस टाइम मैं हैदराबाद में, में पोस्टेड था उस टाइम सर टीचिंग को मैंने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा चूँकि होम पोस्टिंग मिल रही थी तो मुझे लगा मैं अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ साथ अपने एक कैरियर के रूप में टीचिंग को देख सकता हूँ तो इसलिए मैंने वो छोड़ के सर टीचिंग ज्वाइन कर ली ठीक है अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के ही पोस्ट पर बने रहते बैंक की नौकरी में रहते तो पूरे जीवन में आप प्रमोशन पाते पाते उच्चतम किस पद पे पहुंच जाते सर जैसा कि जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है एसबीआई में तो मिनिमम सर जनरल मैनेजर की पोस्ट पे तो इजीली आप अगर प्रोवेशनरी ऑफिसर से ज्वाइन जो करते हैं तो जीएम तक जा सकते हैं और असिस्टेंट टीचर के रूप में बने रहते हैं तो रिटायरमेंट तक आप किस पद पर पहुँचेंगे सर इसमें सर नेक्स्ट प्रोमोशन हेड टीचर का होता है रिटायरमेंट so, uh, के टाइम तक आप हेड टीचर ही रहेंगे तो एस के जनरल मैनेजर और हेड टीचर दो रिटायरमेंट के विकल्प आपके सामने हैं किस रूप में रिटायर होना ज़्यादा पसंद करेंगे सर ऑब्वियसली uh, सर एस के uh, जनरल मैनेजर के रूप में uh, चुनूंगा लेकिन uh, मेरे साथ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस टाइम मुझे थोड़ा फैमिली uh, रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेफर uh, करना पड़ा और uh, करना भी चाहिए था तो इसलिए मैंने सर टीचिंग को चुना तो ये तो ये द्वंद्व दो आप जब प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे तो ये द्वंद्व दो समय में बार बार आएगा कि कभी आपको सार्वजनिक दायित्व तो निभाने का दायित्व तो होगा कभी पारिवारिक हित का दायित्व तो होगा तो जब जब ऐसे संघर्ष के बिंदु पैदा होंगे तब तब क्या हमेशा आप पारिवारिक हित को ही वरीयता देंगे सर ऐसा नहीं है आ, एथिकल द्वंद्व अगर आ, अगर आप किसी आ, पब्लिक सर्वेंट हैं तो एथिक्स यही कहता है कि आप सार्वजनिक जीवन और अपने पारिवारिक जीवन में जो सार्वजनिक जीवन है उसको वरिता दीजिए तो मेरा भी यही कोशिश है और रहेगी कि अगर मुझे इस सेवा में जाने का मौका मिलता है तो मैं सार्वजनिक दायित्व के साथ साथ पारिवारिक दोनों में बैलेंस बना के कार्य करूँ और जहाँ तक हो अपने सार्वजनिक दायित्वों का भली भांति अपना निर्वहन कर सकूँ कार्यों का जब कभी ये संतुलन बनाना असंभव हो जाएगा और किसी एक ही को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे सर वो परिस्थिति पे मेरे ख्याल से जो हमें एथिकल वैल्यू हमें बताती हैं तो उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से सर डिसीजन लेना ज़्यादा ठीक रहेगा अभी कहना कि क्या कैसे चुना जाएगा थोड़ा सर ठीक नहीं होगा वो सिचुएशन के सिचुएशन बेस्ड के आधार पर ही मैं निर्णय लेने का आ, प्रयत्न करूँगा सर उस समय की सिचुएशन के हिसाब से रोहिलखंड विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की है रोहिलखंड का नाम रोहिलखंड क्यों है सर बेसिकली ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे आ, रामपुर बदायूँ बरेली को मिला के एक क्षेत्र था जिसपे जो पश्तून ट्राइब्स थे उन्होंने सर इसको आ, जीता था तो वो रोहिला कहलाते थे जो पश्तून थे ठीक है ठीक है विमल विमल हाल ही में देखा गया कि पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं क्या इसका क्या कारण क्या है आपको क्या लगता है सर जो न्यूज़पेपर के माध्यम से और जो समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से जो न्यूज़ पता चलती है उसके हिसाब से सर आ, जो टैक्सेस जो इम्पोज किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसके हिसाब से सर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ रही हैं और थोड़ा बहुत कारण सर इंटरनेशनल मार्केट में भी इनके प्राइस हाइक होने की वजह से भी ये कीमतों में इजाफा हो रहा है सर तो आपको नहीं लगता है कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो इसके मूल्यों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी जी सर अभी तक पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को जी से बाहर रखा गया है अगर इवन ये अट्ठारह के स्लैब में भी आते हैं तो भी इनकी कीमतों में काफ़ी गिरावट आएगी लेकिन एक मेजर सोर्स जो रेवेन्यू का है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को वो सर काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि काफ़ी रेवेन्यू सर पेट्रोल और सी से गवर्नमेंट को प्राप्त होता है जिसका यूज़ गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं और वेलफेयर के लिए ही करती है तो आम जनता को तो बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल का मूल्य जो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है आम जनता के लिए तो बड़ा इनकन्वीनियंट है तो वहाँ सरकार अपने राजस्व को देखेगी कि आम जनता के लाभ को भी देखेगी सर दोनों को देखते हुए ही सरकार को निर्णय लेना चाहिए और सरकार भी भली भांति जानती है कि कितना पब्लिक आम पब्लिक सस्टेन कर सकती है इन मूल्यों को तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा भी निर्णय लिए जाते हैं अच्छा बिमल हाल ही में अभी सरकार बैंकों के विलय पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है क्या इसका क्या कारण है क्यों बैंकों के विलय पर इतना जोर से क्या लाभ है सर बेसिकली जितने भी पब्लिक सेक्टर्स के बैंक हैं उनमें जितना भी एन होता है वो पब्लिक सेक्टर, सेक्टर के बैंक्स में ज़्यादा है तो उनकी बैलेंस शीट को सही करने के लिए और जितना भी जो एन लॉस होता है गवर्नमेंट को उससे बाहर आने के लिए इनका विलय करने के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की ओर सरकार बढ़ रही है कितने हैं अभी पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं भारत में तो विलय के बाद एट प्रेजेंट अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए हैं और जिनमें सर अभी बजट में जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इस फाइनेंशियल ईयर में दो गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेट करने की दिशा एसबीआई में किन किन बैंकों का विलय हुआ था बिहार में सर एसबीआई शुरू में शुरू से पांच सात एसोसिएट्स बैंक थे सात की आठ हाँ। सर मेरी नॉलेज में सर सात हैं सात थे है, लेकिन अब अब तो दो में जितने भी पाँच बैंक बचे थे उनका विलय करने के बाद अब खाली एस ही रह गया है उस टाइम सर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद स्टेट अच्छा, बैंक ऑफ अच्छा, निमल हाल ही में ठीक है ये बताइए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च किया है क्या है ये सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 सर सॉरी सर मैं टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इसे मिशन इंद्रधनुष के नाम से भारत में कौन कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं सर एक जो मुझे ध्यान आ रही है वो टीकाकरण से संबंधित है कुछ बीमारियों के लिए इसके वैक्सीनेशन से संबंधित योजना टाइफाइड और बैक्टीरिया जनित जो बीमारी है उनके टीकाकरण के लिए योजना चलाई गई है क्या बैंकों में भी कोई मिशन इंद्रधनुष चल रहा है सर जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि एन से शायद निपटने के लिए मिशन इंद्रधनुष और एक जो जो, जो बैंक एन से ग्रसित हैं उनको सर एक्स्ट्रा मॉनेटरी फंड गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने एन सुधार के बैलेंस शीट में सुधार कर सकें उसके लिए भी एक शायद योजना है आई एम श्योरिटी के साथ आई एम नॉट अच्छा अभी तो मल ये तो बताइए कि uh, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस साल के बजट में दो हज़ार के बजट में सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू किया सर uh, बेसिकली एक योजना जो मुझे ध्यान आ रही है वो प्रवासी मजदूरों से संबंधित है लेकिन युवाओं के लिए सर मैं अभी मैं केवल स्कीम के नाम जानना चाहता हूँ सर मुख्यमंत्री प्रवासी उद्यमिता योजना एक शुरू की गई है इसके अलावा सर दुर्घटना दुर्घटना बीमा योजना एक शुरू की गई है महिलाओं के लिए सर महिला सामर्थ्य योजना एक करके शुरू की गई है महिला सामर्थ्य योजना और महिला स्वस्थ सक्षम सुपोषण योजना करके एक योजना शुरू की गई है इसके अलावा सर और अच्छा विमर ये बताइएगा प्रोटीम स्पीकर क्या होता है सर लोकसभा में या विधानसभा में जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो चुनाव आयोग एक लिस्ट तैयार करके देता है कि हमने इतने लोग चुने हैं एम के लिए तो प्रोटेम स्पीकर एक टेम्प्ररी स्पीकर होता है जो एक लोकसभा स्पीकर और उसके डिप्यूटी स्पीकर के लिए जो चुनाव गठित कराता है वो इज द सीनियर मोस्ट पर्सन नॉट बाय एज बाय जो उनका टर्म होता है जितनी बार वो चुने गए हैं एम के रूप में वो उसका कार्य यही होता है सर के आ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन अच्छा, के अभी विमल अभी विधान परिषद उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किए गए हैं नाम बता सकते हैं क्या नाम उसका सॉरी सर मुझे नाम याद नहीं कोई बात नहीं ओवर टू सर हाँ विमल मुझे ये बताइए कि अभी प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही थी तो स्पीकर लोकसभा में कौन है अभी वर्तमान में ओम बिरला सर म... ओम बिरला जी हैं ठीक है, है। कौन से राज्य से आते हैं सर आई एम नॉट श्योर के अंदाज़ा लगाएंगे कोई गैस इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल चलिए मुझे ये बताइए कि डिप्टी स्पीकर कौन है सॉरी सर नाम याद नहीं आ रहा है या जगह याद नहीं आ रही आपको कहाँ से है नाम याद नहीं आ रहा सर मुझे बिल्कुल है इस वक्त कोई डिप्टी स्पीकर शायद सर मेरे साथ अभी शायद नहीं है अभी इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जब से अच्छा मुझे ये बताइए कि आप तो आ, बेसिक शिक्षक हैं अभी ना जी सर तो आप मुझे ये बताइए कि जो नई शिक्षा नीति है ये 2020 में आई है इससे पहले कौन से समय पे आई है सर ये जो नई शिक्षा नीति आई है ये देश की तीसरी शिक्षा नीति है इससे पहले उन्नीस और उन्नीस में दो शिक्षा नीति आ चुकी हैं अच्छा और मुझे ये बताइए कि आपको इस नई शिक्षा नीति में कौन से दो तीन बातें बहुत अच्छी लगी और दो तीन बातें जहाँ आपको लगता है कि सुधार की गुंजाइश है सर नई शिक्षा नीति में बेसिकली जो अभी फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर का एक सिस्टम लेके आए जिसमें तीन से अठारह वर्ष तक के बच्चों के लिए आ, मैंडेटरी शिक्षा का प्रावधान किया गया है जो पहले छः से चौदह वर्ष तक की थी तो उसमें आपको अच्छा लगा ये मुझे अच्छा लगा सर और इसके अलावा सर हायर जो ट्वेल्थ के बाद जो बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहता है उसके लिए एक मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम दिया गया है ठीक है ये भी अच्छा है इसके अलावा सर एक स्पोर्ट को एक सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने वेटेज दिया है जो काफ़ी बेहतर अच्छा, है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि इसमें गुंजाइश रह गई कमी रह गई है सर अभी जो शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान जी के अकॉर्डिंग सिक्स का किया गया है मुझे लगता है सर इसे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि कोठारी आयोग जो पहले आया था चौंसठ से उन्नीस से उन्नीस में उन्होंने भी सिक्स की ही रिकमेंडेशन की थी तो व्यय को सर थोड़ा 6 कितने का है तो जो कोठारी कमीशन ने किया था तब तो भारत की जीडीपी कुछ और थी जी सर अभी जीडीपी भी बढ़ गई है जी जी तो ये तो ये आप बड़ा लेकिन, बड़ा हो है, लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन uh, सेम दिया है अभी वर्तमान में कितना है शिक्षा पे व्यय सर अभी अराउंड टू है आप सर इतना मैंने पढ़ा है अच्छा ठीक है ये आप देख लीजिएगा मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी एक नई रामसर साइट डिक्लेयर हुई है कौन सी है वो सर अभी हाल फिलहाल में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा इससे पहले छः रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी टोटल अभी उत्तर प्रदेश में कितनी है आपके अनुसार मेरे अनुसार सर छः हैं अभी लेकिन लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट है तो मुझे ये भी, भी आप देख लीजिएगा और मुझे ये बताइए कि रामसर कहाँ है सर ये ईरान में एक जगह है और कब हुई थी ये कन्वेंशन नाम सर सर ये 1971 में हुई थी ठीक और मुझे ये भी बताइए मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आपको गाने सुनने का शौक़ है ना पुराने गाने पुराने गाने अच्छा आजकल ये देखा गया है कि पुराने गानों के साथ हम नई लिरिक्स जोड़ देते हैं और नया गाना बन जाता है अब ये गाना नया माना जाएगा या पुराना माना जाएगा और आपको कैसे लगते हैं ऐसे गाने सर बेसिकली मुझे लगता है ये सर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है फिर भी आपके टेस्ट के अनुसार uh, सर मेरे हिसाब से जो पुराने गाने हैं उनमें जो उनके बोल होते हैं उनका कोई अपना सार्थक मतलब होता है और किसी ना किसी रूप में वो व्यक्ति के जीवन दर्शन पर बेस्ड होते थे आज के जम, आज के गाने भी सर उतना बेस्ड होते हैं लेकिन मच ऑफ आर अच्छा वर्तमान में कोई लिरिसिस्ट जो आपको पसंद हो सर uh, एक फिल्म आई थी सिटी लाइट उसमें सर एक एक कुछ बोल थे उसके सर बोल वो आदमी की लाइफ पे रियल लाइफ पे थोड़े बेस्ड हैं तो वो मुझे पसंद है सर विमल भूगोल आपका वैकल्पिक विषय है ये बताएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है सर ये ग्लोब पे आ, 180 डिग्री आ, जो लॉन्गिट्यूड है उसके लिए खींची गई है जिससे पार करते समय जो डेट है वो डे है वो चेंज हो जाता है ग्लोब पे सर ज़ीरो डिग्री और वन एटी डिग्री के जो एक तरीके से रेखा है अपोजिट ज़ीरो डिग्री की अपोजिट जो रेखा वन एटी डिग्री है वो इंटरनेशनल डेट लाइन कही जाती है किन किन देशों से होकर गुजरती है इंटरनेशनल डेट लाइन सर बेसिकली ये किसी देश से होके नहीं गुजरती ये सिर्फ समुंदर पे खींची गई हैं ताकि अगर कोई देश इसमें इसको जो जितने भी दैनिक कार्य होते हैं उनमें कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस और लेकिन एक सौ अस्सी डिग्री में तो हो सकता है ना कोई देश बीच में आ जाए तो इसका कोई भूभाग आ जाए सर इसको जहाँ तक है किसी भी देश से बचाने की कोशिश की गई है मोस्ट ऑफ द पार्ट सी पर ही है सर uh, अंटार्कटिका uh, पे ये लाइन uh, जो लैंड पे टच करती है लेकिन uh, इसके अलावा सर किसी देश को टच करती है मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा विश्वत रेखा की लंबाई कितनी है विश्वत रेखा की uh, लंबाई सर uh, मेरे ख्याल से ये चार हजार फोर्टी थाउजेंड सेवेंटी सिक्स किलोमीटर आई थिंक फोर्टी थाउजेंड सेवेंटी सिक्स किलोमीटर क्या विश्वत रेखा भारत से गुजरती है नहीं सर भारत से कितना नीचे होकर गुजरती है सर रिश्वत रेखा सर ज़ीरो डिग्री इक्वेटर पे है जबकि भारत जो आ, की सीमा शुरू होती है वो आठ डिग्री चार मिनट नॉर्थ से शुरू होती है तो आठ डिग्री चार मिनट का ही डिफरेंस है भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा बिंदु है सर इंदिरा पॉइंट है डिग्री है उसका कौने? सर डिग्री न, मुझे सर अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं और सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है सर उत्तरी हिस्सा सर जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है अच्छा वो कितने डिग्री से हो जाता है सर वो अराउंड थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट आई थिंक वो है एग्जैक्ट सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा आपने चार साल एस एसबीआई में, में काम किया ये बताएं कि आ, पहले इसका नाम इम्पीरियल बैंक था आखिर नाम बदलने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई इम्पीरियल बैंक से नाम बदल के स्टेट बैंक क्यों रख दिया गया सर इम्पीरियल बैंक भी 1921 में तीन रियासती बैंक को मिलाकर गठित किया गया था इसके बाद सर जब देश आज़ाद हुआ तो उसको एक तरीके से ब्रिटिश कल्चर को थोड़ा एक तरीके से ओवर शेडो करने के लिए भारतीय रूप से उसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और कई सारे बैंक्स को मिला के जो बैंक्स उस टाइम थे तो उनको मिला के आर ने जो बैंकों की सूची दी है उसमें एस को वो राष्ट्रीयकृत बैंकों के वर्ग में नहीं दिखाता है वो उसे गैर राष्ट्रीयकृत बैंक कहता है क्यों सर इसका मुख्य कारण यह है कि इसका नेशनलाइजेशन उन्नीस सौ में कर दिया गया था लेकिन आर बी आई कहता आर ने अपनी सूची में इसको नेशनलाइज बैंक की सूची में नहीं रखा है नॉन नेशनलाइज में रखा है आप कह रहे हैं नेशनलाइजेशन हो गया पचपन में तो इस बी आर बी आई ने इसको नेशनलाइज वाले वर्ग में क्यों नहीं रखा है सर जहाँ तक सर आ, मैंने पढ़ा है उन्नीस सौ उनहत्तर में जो जितने भी आ, बैंक्स थे उनका नेशलाइजेशन किया गया था क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ यही एक एक, एक गवर्नमेंट बैंक था बाकी सारे प्राइवेटली ओन्ड बैंक थे तो उनका नेशनलाइजेशन करके जो आ, बैंक्स गठित किए गए वो सर आर के द्वारा नेशनलाइज बैंक की श्रेणी में आते हैं लेकिन ये स्टेट बैंक ग्रुप उस टाइम और जितने भी बैंक्स नेशनलाइज़ किए गए थे वो सारे के सारे शेड्यूल आरबीआई के शेड्यूल वन में थे तो हैं सब अनुसूचित बैंक ही लेकिन बस नेशनलाइज़ेशन इनका अलग अलग टाइम पे हुआ है इसलिए सर मुझे लगता है कि आरबीआई के द्वारा इसको ठीक है रोहित विमल आपसे बातचीत करके अच्छा लगे आप जा सकते हैं थैंक यू सर हैव अ गुड नाइट सर बैठिए ये यूपी में आप इंटरव्यू पहली दफा देने जा रहे हैं कमीशन में सर नहीं से पहले दिया है सर 2018 में अच्छा लेकिन रोल नंबर ध्यान नहीं था तो दैट्स आई क्या परिणाम था उस वक्त सर उस टाइम मुझे फूड सेफ्टी ऑफिसर मिला है मिला है ना ठीक है तो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है।, अभी? अभी है सर अभी कन्फ्यूजन है इंटरव्यू में कितने अंक आए थे फोर्टी फाइव क्यों क्या गड़बड़ हुआ था सर प्रभात सर के बोर्ड में पढ़ा था मेरा तो उन्होंने कुछ ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जो मुझे उसका आइडिया नहीं था कि उनका जवाब क्या देना है तो शायद इसीलिए कमी रह गई सर थोड़ा सा इस बार भी आप फंसे हैं सिचुएशन वाले में जो आपने पूछा था एथिक्स का सर आपने कहा कि जब आएगा तो देखेंगे जी सर तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए उसमें देखिए अब आपने चयन किया है कि भाई बैंक की नौकरी बजाय शिक्षक की नौकरी लेकिन उसका जो जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं पारिवारिक वजह से तो वहीं पर फंसने की गुंजाइश है कि क्या आप हमेशा पारिवारिक वजह से अपना जो दायित्व है जॉब से संबंधित उसको हमेशा दो दर्जे का बर्ताव करते रहेंगे क्योंकि ये डायलेमा तो समय समय पे आता ही रहेगा जीवन में जी जी, जी. ये रोजमर्रा में भी आता है नहीं मान लीजिए आप घर से निकलने वाले हैं तब तक आपका बच्चा मचल गया तो आपके पास जहलेमा है कि ऑफिस टाइम पे पहुंचे बच्चे के अरमानों को पूरा करें ये हर दिन आ सकता है तो इसीलिए वो अनुशासन वगैरह की बात की जाती है निष्ठा ये सब तो थोड़ा वहां पर मुझे लगता है कि सिचुएशन वाले में जी करिए नहीं तो आप बाकी ट्रैक रिकॉर्ड आपका बहुत स्ट्रांग है आपके पास प्रतिभा तो है ही ये आपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड में दिखाया है आप बैंक में सेलेक्ट हुए हैं नौकरी की है फिर आप टीचर वाला में सेलेक्ट हुए हैं तो ये जाहिर कर रहे हैं आप बार बार साबित कर रहे हैं कि आपके अंदर वो प्रतिभा है कि आप अच्छे पदों को हासिल कर लेते हैं तो मुझे वही लग रहा है कि आपको बस सिर्फ सिचुएशन वाले पे थोड़ा देखना है और ईमानदारी से पेश आना है और लास्ट में भी जाते समय गुड नाइट आपने कहा जी सर ऐसे नहीं करिए इसको कहते हैं ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास करना नहीं करना है ओके इसलिए नहीं करना है कि वो तो खुराट बैठे हैं वहां जी जी लास्ट टाइम भी मैंने कहा था सर अ गुड डे <laughs> सिर्फ थैंक यू कहके निकलना है उनके ईगो को छेड़ना नहीं है इतना ही बस ध्यान रखिए बाकी सब चीज़ बहुत अच्छा है आपका सर तो अब जैसे आपने ये क्वेश्चन किया तो मुझे क्या मतलब स्ट्रीट फॉरवर्ड बोल देना है कि मैं अपने जॉब के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ और आगे किसी भी तरीके का डिलेमा होता है तो मैं जॉब को प्रेफर करूँगा कहना पड़ेगा हाँ नहीं तो फिर देखिए दुनिया भर के आरोप आशंकाएं आजकल परिवारवाद खानदानवाद क्षेत्रवाद जातिवाद सम, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं राजनीतिक वर्ग व्यक्तियों में और प्रशासनिक व्यक्तियों में वो इसीलिए जैसे ही आप अपने परिवार को वरीयता देते हैं जी तो अंतर नहीं थे अपनी जाति को वरीयता दे रहे हैं अपने परिवार के लोग अपने ही जात के होते हैं अपने परिवार के लोग अपने संप्रदाय के भी होते हैं और प्राय अपने परिवार के लोग अपने ही क्षेत्र के होते हैं जी तो परिवारवाद के भीतर सारी बीमारियां छिपी हैं जातिवाद संप्रदायवाद क्षेत्रवाद तो इस डायलेमा से आपको निकलना होगा करियर के लिए भी अच्छा है कहीं कहीं निष्ठुर बनना पड़ता है जी और वही दृढ़ता दिखानी है आपको कि मैं जहां दिल कड़ा करके निर्णय लेने हैं निष्ठुरता दिखानी है वहां मैं निष्ठुर बनूंगा तो सर ये जस्टिफिकेशन ठीक है अगर जैसे बैंक का मैंने बताया कि ये रियली सिचुएशन थी मेरे लिए जो मैंने बैंक छोड़ा और टीचिंग ज्वाइन की तो यही बोल सकते हैं ना सर यही जस्ट यही है मेरे पास नहीं आप अपने दिल को ठीक से टटोल नहीं रहे हैं सिर्फ आपने इसलिए नहीं छोड़ा बैंक की नौकरी कि आपको परिवार के पास रहना था इसलिए भी छोड़ा कि शिक्षक के, के जॉब में आपको एक न्यूनतम मात्रा में संतुष्टि दिखी बिना जॉब सेटिस्फेक्शन की उम्मीद के आपने ये पोस्ट ज्वाइन ही नहीं किया आपने अपने मन को ठीक से तोला नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि ये ठीक बात है कि आपको परिवार वो तो हर आदमी परिवार को देता है इसमें कहने वाली चीज नहीं है जी, लेकिन जो दूसरा तत्व जो आप ही खुद से छुपा हुआ है कि आपको शिक्षक के पेशे में भी उतनी गरिमा दिखी जितनी की बैंक वाले में जी, जी, और कैरियर प्रोग्रेशन में आपको धन और प्रतिष्ठा जो बैंक में ज्यादा दिखती जी, उसके जी, मुकाबले जो टीचर के जॉब में सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा आकर्षित किया इसलिए आप इसमें आए जी ये बात आप को जो अपील करती है उसको आपने रेखांकित नहीं किया उसी पर तो रेखांकित जी, जी, जी। सारा उत्तर हो जाएगा जी, जी ठीक है बेसिकली इसी पर चिंतन करना है आपको जी। बाकी सब ठीक बाकी आप स्मार्ट आदमी है ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई का जो आपका चालीस से सत्तर के रेंज में जैसे गए तो क्षित साठ भी आ जाएगा जितने से भी लास्ट ईयर हुए थे सब में लो मेरे ही थे तो होप बस इतना मुझे लगता ध्यान है ध्यान करिए और कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं है बस लास्ट में कुछ बस थैंक यू कह के बस थैंक यू कह के निकलना ठीक है सर ऑल द बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू सर